टू वॉच लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन हिट द बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट आशीष तुम्बलिया और आप देख रहे हैं तुम्बलिया टेक सॉल्यूशन। मैं एक बार फिर आप सबके सामने हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ और बताने वाला हूँ, लेकिन आज का जो मैं टॉपिक है उसमें ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ जो कि पिछले वीडियो से रिलेटेड हो। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि आप अपने फोल्डर को सिक्योर करने के लिए उसको हाइड कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें मैंने अलग अलग फाइल के टाइप जो है कि अलग अलग इमेज फाइल है, ऑडियो वीडियो फाइल है, इन सबको आप कैसे हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं, ये सब मैंने बताया था। और दूसरा तरीका मैंने बताया था सिक्योरिटी का, जो कि था आपको पासवर्ड प्रोटेक्ट करने का, जिसके बारे में मैंने अभी तक डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को दिया नहीं है। बट ये दो तरीकों के बारे में मैंने अपने वीडियो में पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। बट इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं, इस बार मैं आप लोगों को एक नया तरीका बताने वाला हूं जिससे आपका डेटा, आपका जो भी फाइल है फोल्डर है वो सिक्योर हो जाएगा। और उसके लिए आपको ना तो पासवर्ड का जरूरत होगा, पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ना ही आपका फाइल को हाइड करना पड़ेगा। आपका जो भी फाइल है आप जैसा है वैसे ही रहेगा, बट ना तो उस फाइल को कोई छेड़छाड़ कर सकता है। मतलब छेड़छाड़ का मतलब ये है कि ना तो आपके फाइल को कोई डिलीट कर सकता है, ना ही आपके फाइल का कोई नाम चेंज कर सकता है, ना ही आपके फाइल को कोई कॉपी पेस्ट कर सकता है, और ना ही आपके फाइल को किसी और डिवाइस में ट्रांसफर कर सकता है। तो ये सारी चीजें आप कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही ईजी चीज है, ये ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बट जो टेक्निकल पर्सन है उनको ये आसानी से पता होता है, बट जो बेसिक जो जिनको टेक्निकल का ज्यादा नॉलेज नहीं है उनके लिए ये मैं खासकर दिखाने वाला हूँ। और ये बहुत ही आसान चीज है, इसमें टेक्नोलॉजी और इसमें ज्यादा कोडिंग और ऐसा कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है। आप लोग को मैं छोटा सा और सिंपल सा चीज बताऊंगा जो देख के आप लोग आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे कि मैंने एक फोल्डर लिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं है, इसका मुझे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाके फिर इसको सिक्योरिटी को ओपन करके इसमें देखिए एक एडमिनिस्ट्रेटर है, इस पर आप सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको इस पर एडिट पर क्लिक करना है। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक आएगा एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके फिर इसके बाद ये सारे जितने भी चेकबॉक्स है इसको चेक करना है। देखिए सारे के सारे आपका सिलेक्ट हो गए। ये डिपेंड करता है कि आप क्या क्या कंट्रोल आपको देना है उस फोल्डर, मतलब आपका फोल्डर पे, जैसे कि आपको मॉडिफाई करने का एक्सेस रद्द करना, मतलब मॉडिफाई आप नहीं करना चाहते हैं कि कोई आपका फाइल को मॉडिफाई ना कर पाए, तो उसके लिए आप ये सिलेक्ट कीजिए। अगर चाहते हैं कि सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट कर सके तो फिर इस पे सिलेक्ट कीजिए, या फिर लिस्ट जो फोल्डर है जो भी कंटेंट है वो सब दिखे या नहीं दिखेगा, रीड राइट का परमिशन है, ये सारा चीज का आप एक्सेस आप जो भी चाहते हैं आप वो दे सकते हैं और जो चाहते हैं वो हटा सकते हैं। तो ये मैंने फुल कंट्रोल पे सिलेक्ट किया, उसके बाद इसको अप्लाई कर देता हूं, इसको ओके कर देता हूं। ठीक है, जैसे मैंने इसको ओके किया फिर यहां ओके करके फाइनल ओके। अब देखिए ये जो मेरा फाइल है इसको मैं ओपन करने की कोशिश करता हूं। देखिए ये देखिए क्या बोल रहा है, यू डू नॉट करेंटली हैव परमिशन टू एक्सेस। आप इस फाइल को फोल्डर को ओपन ही नहीं कर सकते। देखिए आप जितना बार भी ट्राई कीजिएगा कोई फायदा नहीं होगा, ओपन ही नहीं होगा। देखिए ये एक ओपन भी नहीं कर सकते। दूसरा है, अगर आप सोच रहे कि आप मैं इसको एक काम करता हूं इसको मैं कॉपी कर लेता हूं या कट कर लेता हूं मैं किसी और जगह पे फिर उसके बाद ओपन करूंगा, तो आप ये भी ट्राई करके देखिए। देखिए पेस्ट करता हूं मैं कट करके, देखिए परमिशन मांग रहा है, ये बिना परमिशन के आपको ये कट पेस्ट होगा ही नहीं। ठीक है, अब मैं आपको कॉपी करने का भी दिखाता हूँ कि डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग कीजिए, देखिए वो भी नहीं होगा कि ड्रैग करके कॉपी किया जाता है, आप जानते हैं ये बात, तो ये भी नहीं हो रहा। या फिर राइट क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कीजिए, इसको सिलेक्ट करके देखिए ये यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ, लेकिन नहीं ये भी आपका परमिशन नहीं है। तो इससे क्या है कि आपका फाइल एकदम सिक्योर हो गया, आपका फाइल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और अगर चाहता है कि आपके फाइल में मतलब इस फोल्डर में कितना डेटा है वो चेक करना है, प्रॉपर्टीज में जाएगा, देखिए 00 वाइट दिखा रहा है, जबकि इसमें बहुत सारे फाइल्स हैं, मैं वो आप लोग को दिखाऊंगा अभी कुछ देर में। देखिए यहाँ 0 दिखा रहा है, इसका मतलब आपका फाइल का कितना साइज है वो भी नहीं देख सकता है कोई, आपका पूरा पूरी सिक्योर हो गया। ठीक है, और यहाँ तक कि अगर मतलब बहुत लोग होता है कि नहीं अगर फाइल को मैं चुरा नहीं पाया तो डिस्ट्रॉय कर दूँ, ऐसा भी लोगों का इंटेल होता है, मतलब ऐसा सोचते हैं लोग, तो डिलीट भी करना अगर चाहेंगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। देखिए ये सिंपल सा चीज है जो कि आप करके अपना अपना फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिक्योरिटी का बात। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप चाहता कि नहीं मैं इसको रीनेम करूंगा तो वो भी आप नहीं कर सकते। देखिए मतलब आप किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन आपका फाइल में नहीं कर सकते हैं, एक बार आपने इस तरह का एक्सेस डाल दिया तो आपके फाइल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, इस तरह से आप अपने फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
अब इसको फिर से अनप्रोटेक्ट कैसे करें, मतलब फिर से हम इसको, अगर चाहे कि हम खुद भी ऐसा तो खोल नहीं पा रहे, तो कोई नहीं, आपको तो पता है कि आपको क्या करना है। आप जाइए प्रॉपर्टीज में, जाइए जाके सिक्योरिटी में जाइए, फिर से एडमिनिस्ट्रेटर में जाइए, एडिट करके फिर जो भी है इसमें एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करके ये सारा को अनचेक कर दीजिए। तो जैसे ही आप सारा अनचेक करेंगे तो आप सारा का सारा अप्लाई करके ओके, फिर ओके कर दीजिए। देखिए अब क्या है, आप इसको ओपन कीजिए, देखिए कितना सारा फाइल है इसमें। ठीक है, आप इसको ओपन कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। फिर इसका प्रॉपर्टीज में मैं जाकर आपको साइज दिखाता हूँ। देखिए प्रॉपर्टीज, देखिए 24.7 MB का है। देखिए तभी क्या 0.0 bytes दिखा रहा था। तो इस तरह से आप अपने ये को सिक्योर कर सकते हैं। देखिए इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। आप देखिए कॉपी किए, यहाँ पे गए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप पेस्ट कर देते हैं। सॉरी ये तो पेस्ट शॉर्टकट हो गया, बट नॉर्मल पेस्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये पेस्ट हो गया। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से मतलब आप फाइल का देखिए इस तरह से आप सिक्योर कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ था कि आप इस फाइल को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, वो चीज़ मैं आप लोग को दिखाया नहीं, बट आप अगर चाहते, देखिए सेंड कीजिए, आप यहाँ पे देखिए कोई दूसरा ड्राइव, पेन ड्राइव लगा हुआ है, इस पर आप सेंड करेंगे तो ये चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट अगर आप सिक्योर करके रखे हैं तो आपका कोई ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया दोस्तों। ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, और मुझे लगता है कि आप लोग को कैसे करना है सिक्योर अपना फोल्डर को, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, गुड डे, गुड बाय एंड टेक केयर।